देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। सहारनपुर में खुमरान पुल प्रशासन द्वारा दुकानों को तोड़ने के विरोध में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा राधे श्याम नारंग के नेतृत्व में गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें व्यापारियों ने मुआवजे के रूप में हर व्यापारी को एक एक दुकान और 10-10 लाख रुपए दिए जाने की मांग की है। वहीं दुकानों को तोड़ने के विरोध में व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिलने लखनऊ जाएगा। क्राइम स्टोरी के लिए ललित कुमार की रिपोर्ट। आज का ये धरना उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के तत्वाधान में कुछ दिन पूर्व खुमरान पुल पर जिस प्रकार प्रशासन द्वारा व्यापारियों के व्यापार को खत्म करने का काम किया गया, व्यापारियों की दुकान को तोड़ने का काम किया, भुखमरी के कंगाल पर आ गया, उसके विरोध में आज हमारे व्यापार मंडल ने यह धरना देने का काम किया। हमारी उस प्रशासन से, जो प्रशासन कह रहा है कि हमने वो चार दुकानें तोड़ने के लिए नहीं भेजा था, और यहाँ तक नगर निगम के मेयर भी कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है, और उन सत्ता पक्ष के नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूँ कि व्यापारी की सच्चाई की लड़ाई में आप उनका साथ नहीं दे सकते। इसलिए आप व्यापारी नेता और या किस लिए जनता के प्रतिनिधि कहलाने का आप अपने आप को समझते हैं। बहुत बड़ी गलती है प्रशासन की, खास तौर से सत्ता पक्ष के नेताओं की। व्यापार को ख़त्म करने का काम किया, उन गरीब व्यापारियों के दुकानों को तोड़कर भुखमरी के कंगाल पर लाने का काम किया। पीड़ित व्यापारियों को एक एक दुकान मिले तथा आर्थिक मुआवजे के रूप में 10-10 लाख रुपया उनको मिलने का हमारी इस धरने के मार्फत मांग की गई है। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी से भी मिलने जा रहा है, और उनसे भी हम यही मांग उठाएंगे कि जो व्यापारी समाज देश की आर्थिक रीढ़ है, जो सरकार को चलाने में सहयोग करता है, यदि आप व्यापारियों को ख़त्म करने का काम करोगे तो व्यापारी आपको दोबारा इस सत्ता पर काबिज होने नहीं देगा किसी की वजह। देख रही है क्राइम स्टोरी।